नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे चैनल अपना योग में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे हो और बहुत खुश भी हो। और आगे ही हम लोगों का जो ये सफर है, जो हमारी ये दोस्ती है, वो ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही आगे चलते रहे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, उन लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को पहले से एंड तक जरूर देखो। और अगर देख के आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिया बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं, दैट पर्टिकुलर इज अ वेरी सीरियस डिजीज। और ये एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का इलाज ब्लॉका सिर्फ ऑपरेशन से ही होता है। मैं बात कर रही हूँ अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स एक्चुअली हमारे एब्डोमिन में प्रेजेंट एक बहुत ही छोटा सा एक ऑर्गन है। जब उस ऑर्गन में इंफ्लेमेशन होता है, जब वो ऑर्गन स्वेल अप करता है ड्यू टू एनी रीजन, इट मे बी ड्यू टू स्टोन्स, इट मे बी ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो जब वो पर्टिकुलर ऑर्गन स्वेल करता है, फूल जाता है, छोटा सा बलून की तरह एक दूसरा होता है, लेकिन जब वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, तभी आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम से भुगतना पड़ता है एंड यू गो थ्रू अ सर्जरी ताकि आपको उस दिक्कतों से, उस मुसीबतों से आपको रिलीफ मिले। अब आप कैसे समझेंगे कि आपको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है या आपको इमीडिएट एक अच्छे डायग्नोसिस की जरूरत है ताकि आपको पता चले कि आपको अपेंडिक्स है कि नहीं। सबसे पहले तो बोल दूं कि अपेंडिक्स का सबसे पहला तो सिम्टम है, दैट इज एक्सट्रीम एब्डोमिनल पेन। ये पेन आपके मिड में हो सकता है, आपके राइट लोअर साइड में हो सकता है, या आपके बिल्कुल लोअर एब्डोमिन में हो सकता है। और इस पेन को, ये टोटल पेन यहाँ से शुरू होकर आपके बैक तक फैल सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना, बिल्कुल खाने पीने से जी पूरा लग जाना। इसके अलावा आपका नौशिया फील होना, बहुत टायर्ड फील हो जाना, इरिटेटिंग लगना, क्योंकि पेट का दर्द, पेट की समस्या तो आप समझ ही रहे हो कितना दिक्कत देता है सबको। इसके अलावा आपका फीवर आना बाद बाद में, अचानक से फीवर आ जाना, ना सर्दी ना जुकाम, लेकिन फिर भी अचानक से फीवर आ गया। तो ये सब पर्टिकुलर कुछ सिम्टम्स हैं जो सिम्टम्स आपको ये बताते हैं कि आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑब्वियसली एक तो डायग्नोसिस जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ईदर यू आर सफरिंग फ्रॉम अपेंडिक्स और यू आर सफरिंग नॉट। लेकिन हाँ, एक बार जरूर बोलूंगी, ये सभी बिल्कुल कॉमन जो सिम्टम्स है, जो आपको अगर कॉन्स्टेंटली व कंटिन्यूअसली, अगर स्पॉन्टेनियसली अगर आप भुगत रहे हो ऐसे सिम्टम्स से, तो उस टाइम पर आप जरूर डॉक्टर से इत्तला करके, बातचीत करके अपना डायग्नोसिस कीजिए, टेस्ट करवाइए और पता लगाइए कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। हमारे दिए गए जो भी टिप्स हम आप लोगों को देते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ इश्यू हो या ब्यूटी हो, कुछ भी हो, एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं होता। सो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से विजिट जरूर कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, और करके आप ये पर्टिकुलर जो भी सिम्टम अगर आप इसमें से गुजर रहे हैं या बहुत दिन हो गया आप हो जाएगा पेन किलर ले लेके इसको रोक के रखें, तो प्लीज उसको और मत रोकिए, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, अपना टेस्ट करवाइए और अपने आप को एक सुरक्षित जिंदगी बिल्कुल पहले से गिव कीजिए। जाते जाते फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको ये अच्छे लगे, बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिएगा बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी हमारा अपलोडेड सारा वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा।